हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और आज से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर फतेहाबाद में तैयारी पूरी हो चुकी है और इसको लेकर के फतेहाबाद में व्यापारियों और सरकार के बीच समझौता होने के बाद मार्केट कमेटी 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद की तैयारियों में जुट गई। मार्केट कमेटी की ओर से अनाज मंडी में मार्किंग करवा दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। गेहूं खरीद के शुरुआती चरण में अनाज मंडी में 25 और मिनी सेंटर में 10 किसानों को ही एंट्री दी जाएगी ताकि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से अनाज मंडी और मिनी सेंटर पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। मंडी में जैसे हमारी दो मंडियां, एक एडिशनल मंडी और एक पुरानी मंडी है, इन मंडियों के अलावा हमने 15 सेंटर और बनाए हैं जहां एडिशनल सेंटर, जैसे कि कोई राइस मिल में या कोई पक्के प्लिंथ पड़े हैं, जो पक्के फड़ हैं, उन पे हमने 15 पॉइंट और सिलेक्ट करे हैं। तो उसमें हमने सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जैसे वहां पर सभी जो सेंटर्स हैं उनमें मास्क, हम जो भी किसान आएंगे उनको अगर उन्होंने कोई कपड़े से नहीं ढक रखा है या मास्क नहीं है तो उनको हम मास्क देंगे, सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाएंगे, उसके बाद फिर उनको ऑनलाइन कूपन देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था में हमारी सरकार ने जो हमारी मांगे थी वो मान ली, जो अकाउंट खुलाने के लिए कहा था अब वो पुराने अकाउंट में ही जैसे पहले चलता है वैसे चलेगा, और जो बाकी पैसा हमने लेना है वो काट कर बाकी पैसे हम जिम्मेदार को आरटीजीएस या उसके अकाउंट में डलवाएंगे। हमारी मेन मांग थी, हमारी वो मांग पूरी हो गई। तो हड़ताल खत्म करती है? हाँ जी, हाँ जी, हड़ताल अब खत्म है, कल से काम चलेगा।